सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जवान लड़कड़ा रही है क्योंकि जीभ का टेस्ट खराब हो गया है। हम लोगों ने भी कोल्ड ड्रिंक चैलेंज किया, मैंने इन्होंने लिविंग टुडे ब्लॉग्स पे और भाई बहन ने मान्या ने और वाशु ने, इन लोगों ने वाशु के लिए किया है तो आप लोग प्लीज जाके देख लीजिएगा। चैलेंज जो है वो हो चुका है, बहुत मजा आया। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए और कौन जीता कौन हारा हमारा, कौन जीता कौन हारा और इनमें से भी कौन जीता कौन हारा ये आपको निवाशु चैनल पे जाके देखिएगा। बहुत दिनों बाद निवाशु चैनल पे भीड़ हुई है। अब ये हो रहा है सिलेक्शन की किसको किसको कौन सा पीना है, बताओ मान्या। हमसे ना कुछ हमको बहुत डिफिकल्टी होती है उसको पूरा मिलने पूरा पीना। आपको कौन सा चाहिए? चार्ज होना है। वाशु को कौन सा? वाशु कुक। ये कुक कुक अच्छा वो स्क्रीन वाला कह रहे हैं छोटू। लो छोटू तुम्हारा ठंडा नहीं लेना है ज्यादा? नहीं नहीं ठीक है, यहीं बैठ जाओ। और आप कौन सा? मैं तो स्प्राइट। आप कौन सा? मैं थम्स अप। लो ये थम्स अप ने मुझे हरा दिया लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं जीव या थम्स अप ही पीती हूँ और इतना बड़ा इंसल्ट भी मैंने करवा लिया अपना। अब तो उसी वाले वीडियो में जाके देखने को मिलेगा। काफी रात हो गया है, अभी बस जा रही हूँ मम्मी के लिए खाना बनाऊंगी और इनका इतना। चलो ठीक है, और मान्या ले लेगी इसमें से और निक्की आएगी, निक्की अभी आ रही है वो भी अपना देख लेगी कौन सा लेना है। आज हमारी पार्टी पे पार्टी हो रही है, जो हारा है वो पार्टी दे रहा है मतलब मैं दे रही हूँ पार्टी आ रहा है खाने पीने वाला चीज। तो कौन जीता कौन हारा वो इसमें मैं नहीं बताऊंगी, वो उसमें ही जाके देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि चैलेंज वाली वीडियो सारे लोग पता नहीं शायद देखे या ना देखे, मुझे आइडिया नहीं है तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। चलो मैंने जैसे मोबाइल ऑफ किया निक्की का कॉल आया कि स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हम लोग गए वहाँ पे लेने के लिए, पास में ही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं थी। फिर हम मैकेनिक के आए, वहाँ पे स्कूटी हमने बनवाया, उसके बाद फिर हम आए घर। ठंडे ठंडे मौसम में आइसक्रीम खिलाया जा रहा है, कब लाए हैं? मैं गया था जब थोड़ी देर पहले लेके आया था। थैंक यू सो मच। मुझे ना सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि आज की वीडियो का टाइटल क्या होगा, आप लोग बताइए ना। जब तक आप लोग बताएंगे तब तक वीडियो चली ही रहेगी, मैं भी ना। और यहाँ पे कॉल आ गया था कुछ काम का तो मैं यहाँ पे बात करने लगी थी। यहाँ मैं बना रही हूँ आलू परवल की एकदम अच्छी वाली सब्जी और खूब सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ में सेवई, और अभी बनाऊंगी पूड़ी। तो सब्जी पूड़ी और सेवई आज का हमारा डिनर है, बहुत टेस्टी लगने वाला है। नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं आपको एक बात बताऊँ, कल से ही ना मतलब कल परसों से मुझे फेक आईडी से बना करके ना कुछ कमेंट्स आ रहे थे और कंटिन्यू मेरी सारी वीडियोस पे जा जाके तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे इस तरीके से कमेंट ना करें, इसलिए क्योंकि देखिए हमारे पास ये अथॉरिटी होती है, मैंने जैसा कि बोला है कि हम आपके घर का एड्रेस तक निकलवा सकते हैं, तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पर फालतू के मैसेजेस ना करें। यहाँ पर फालतू लोग रहते हैं नहीं, ये शरीफ लोग रहते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप किसी को जज करें और उसको मेंटली डिस्टर्ब करें तो बेहतर आप अपना काम कीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। हमारा जो भी जैसा जो भी है वो ऊपर वाला देखेगा, उसकी टेंशन आप लोग को लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ठीक गुड। अचानक से सुने भी नहीं मैंने बोला क्या, बस ठीक ठीक मैं तो कब से बोल रही थी गुड, ऐसे पहले देखिएगा बाद में उसके बाद फिर बोलिएगा। तो अभी मैं हम मतलब मम्मी मेरे को सबको खाना खिला दिया मैंने, और मेरा पता नहीं क्यों कल मेरा फास्ट है ना, तो आज मेरा मैं ये लिटरली यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम इतने टाइम बाद हो रहा है कि मेरा मन कर रहा है गोलगप्पा खाने का। तो अब हम जा रहे हैं ढूंढेंगे। देखिए मैं गोलगप्पा खाती ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं, फास्ट फूड तो मैं खाती ही नहीं, ये तो आप लोगों को पता ही है कि मैं स्ट्रीट फूड फास्ट फूड ये सब नहीं खाती, हाइजीन की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा होती है ये तो आपको ही पता है। तो मैंने ना एक शॉप देखी थी, अच्छी शॉप थी और वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो मैंने इनसे बोला था एक दिन कि चलेंगे हम भी ट्राई करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात वहाँ की है कि नाली के किनारे नहीं लगा हुआ है, अच्छी सी शॉप है। तो अभी हम जा रहे हैं वहीं पे, टेस्ट करेंगे वहाँ का गोलगप्पा, कल फास्ट है तो मेरा आज मन कर दिया, नहीं तो मैं कभी ये सब खाती नहीं हूँ। ठीक है ना, 2-3 साल में खा लेना चाहिए, मुझे खाए हुए कितने टाइम हो गए मुझे याद भी नहीं है, 2-3 साल तो हो ही गया होंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए चलते हैं, खाना पीना सबको खिला दिया है, वाशु खा रहे हैं, मम्मी खाना खा ली है और हम निकलते हैं। ठीक
ऊपर देखो ऊपर। अरे वाह, मैंने तो देखा ही नहीं। हेलो, मैं तो डर जाती हूँ। चलो चलो रुकवाओ, ये तो हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, हमने ये ले भी लिया है और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। बारिश तेज हो रही है, एंजॉय करो। अगेन नेक्स्ट डे हो चुका है, मतलब आज का दिन मंडे, और मैंने पूजा कर लिया है। मेरा और इनका फास्ट है, वाशु का और मम्मी का फास्ट नहीं है, तो मैं इन लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे साबुदाना भी भिगो दिया था, थोड़ा लेट से भिगोया था इसलिए गर्म पानी में भिगोया। और ना मैंने ये मलाई से घी बनाया था, आलू भी बॉयल कर दिया है, लेकिन सबसे पहले खाने पीने के लिए इन लोग का बना लूंगी, उसके बाद फिर मैं फलाहार बनाऊंगी। खाना बना लिया है, गैस वैस साफ कर लिया, उसके बाद सिंपल सा ही मैं बनाऊंगी। थोड़ा सा घी डाला, इसमें जीरा, टमाटर, धनिया की पत्ती, मिर्चा और सेंधा नमक अच्छे से भून लिया। भुनने के बाद मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए इसको भी भून लूंगी। उसके बाद इसमें साबुदाना ऐड करके इसको भी पका लूंगी। तो रेडी हो चुका है। और किसका किसका फास्ट है आज, कमेंट में जरूर बताइएगा। सब लोगों ने खाना पीना खा लिया, फिर उसके बाद मैं क्लीनिंग करने लगी। रूम भी क्लीन कर दिया था बट कैमरा नहीं लगाया था, यहाँ पे याद आ गया मुझे। और पार्सल कुछ आए थे, वेटेड थे, तो वाशु की हेल्प मैंने लिया, उसको साइड किया। और टीवी यूनिट का आप लोग बोल रहे थे कि आप दिखाइएगा, तो आप लोग ऐसे ही देख लीजिए। बाकी डिटेल में वीडियो चाहिए होगी तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ट्राई करूंगी कि डिटेल में प्रॉपर आप सभी के साथ में वीडियो शेयर करूँ। और नीचे का जितना भी क्लीनिंग करना रहता है ना, मैं कर लेती हूँ, ऊपर का मेरे से नहीं हो पाता। अगर आपके घर का थीम लाइट कलर है ना, तो बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा भी अगर गंदा हुआ तो क्लीनिंग प्रॉपर चाहिए होती है, यही एक प्रॉब्लम होती है। अच्छा तो बहुत लगता है, नो डाउट, जो भी आता है घर में बोलता है सब कुछ कि आपका इंटीरियर जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वही है ना कि क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। वाशु ने आकर के बताया कि बारिश हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है, तो कपड़े मैंने सूखने के लिए डाला हुआ था, तो लेकर के आई अंदर और देखी कितना तेज़ हवा चल रहा था। फिर वापस मैं लग गई काम पे। अब बस मेरा किचन बचा हुआ है, तो उसमें डीप क्लीनिंग चाहिए। क्लीनिंग तो डेली होती है, दीदी भी आती हैं काम करने के लिए तो वो भी क्लीनिंग करती हैं, बट डीप क्लीनिंग अभी उसको चाहिए, नीड हो गई है, तो एक दो दिन में मैं करूँगी। अभी कुछ काम मेरे पेंडिंग में है, पहले उसको कर लूँ, उसके बाद। एक साथ मेरे से नहीं हो पाता, मैं जैसे कि रूम का सारा क्लीन किया, उसके बाद नेक्स्ट डे किचन का कर लेती हूँ, तो इस तरीके से करके मैं क्लीनिंग करती हूँ। कपड़े अभी सूखे नहीं थे तो इस वाले हैंगर में मैंने लगा दिया। बारिश के टाइम में ये हैंगर मेरे बहुत काम आ रहा है, मैंने किस लिए लिया था और देखिए कहाँ यूज़ हो रहा है, लेकिन ठीक है ना, यूज़ तो कम से कम हो रहा है। मैं अभी हो चुकी हूँ अपने सारे काम से फ्री, अभी मैं इस वीडियो का एंड करूँगी और फिर उसके बाद एडिट करूँगी। मम्मी और ये है नहीं, मम्मी की तबीयत सही नहीं चल रही है, तो गए हुए हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। मौसम आज का जो है अच्छा ही है, मैं बोलूँगी, ऐसे भी वो लोग फोर व्हीलर से गए हुए हैं तो बारिश हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मौसम पहले से ही सही नहीं था। आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने फ़ोन किया था तो नंबर अभी आया नहीं है, तो अभी देखते हैं कब तक आते हैं लोग। और आज मंडे है, आज ही आप लोग ये वीडियो देखेंगे, हालांकि मैंने कुछ कुछ क्लिप्स पहले ही शूट कर लिया था, कुछ कल का है, कुछ परसों का है, कुछ जिस दिन हमने चैलेंज किया था उस दिन का है। वाशु की आज छुट्टी है तो वाशु घर पर ही है, उसने मेरी हेल्प भी कराई है काफ़ी ऑफ कैमरा, मैंने तो सारी चीज़ें शूट नहीं करी हैं, थोड़ा बहुत शूट कर लिया, याद आ गया तो मैंने कहा कर लेती हूँ ऐसे नॉर्मल। पता है मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाह रही हूँ, मुझे ना दो दिन से बहुत ही ज़्यादा नई नई आईडी से कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा शायद उन लोगों को पता नहीं है जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि जो इसका पूरा अथॉरिटी है वो मेरे पास है, मेरे घर को लेकर के, मेरे लाइफ स्टाइल को लेकर के, जो भी है कई सारी आईडी से कमेंट्स आ रहे हैं ना कि मैंने सारा ही हटा दिया, मुझे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो हटा ही सकती हूँ जैसे कि मैंने बताया आपको, फिर वो लोग दोबारा से मुझे कमेंट नहीं कर पाएंगे। घर को लेकर के और जो मैंने वीडियो बनाया था कि हस्बैंड ने मुझे 1,00,000 रुपये दिए, मैंने आपको बताया भी था कि वो किसी काम के लिए रखा गया, मैं ऐसी नहीं हूँ कि ऐसे खर्च करूँ। और रही बात पैसे की, तो मैंने अभी कल की वीडियो में जो गई हुई है मैंने अपनी अर्निंग भी आप लोगों को बताई हुई है कि मैं कितना अर्न करती हूँ, तो मुझे कभी भी ऐसा नीड नहीं लगा कि मैं हस्बैंड से पैसे लूं, कभी भी मुझे नीड नहीं लगा। हाँ हस्बैंड है, मुझे नीड होगी तो मैं बिल्कुल लूंगी, लेकिन अभी मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं खुद से कर सकती हूँ जो चीज़ें, वो मैं खुद ही करती हूँ। और घर को लेकर के इतने सारे कमेंट्स, ये घर बता दूँ मैं, ये घर 20-30 लाख का नहीं है,
अभी देखिए ये मेरे हस्बैंड को पता नहीं है कि मैं ऐसी कुछ वीडियो बना रही हूँ, जब वो आएंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी। तो ये आ रहा था तो मुझे लगा कि इस पे बोलना चाहिए। ये घर मेरा 20-30 लाख का नहीं है, ये घर मेरा करोड़ों से ऊपर का घर है। और हमने घर कब लिया था ये आप लोग तो जानते ही होंगे। मैं पिछले 3 साल से घर देख रही थी और उसके बाद ही हमने डिसाइड किया था, पैसे भी दे दिए थे उसी टाइम कि हम ये घर लेंगे। मुझे कहाँ क्या लेना था ये सब कुछ मैंने आप लोगों से शेयर किया था, लेकिन लोग जो अभी न्यू आए हैं बहुत ही फालतू कमेंट्स कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे कोई कमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि ये घर जो आप लोग सोच के कर रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है। ये घर हमारा बहुत महंगा है। मैं तो ये चीज़ें बोलना नहीं चाहती हूँ, पर आज मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ। मैंने कभी अपने व्यूवर्स से नहीं बोला। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं, बहुत ही एजुकेटेड है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ना कहूँ ना तो भी वो बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं, क्योंकि आज से नहीं, मेरे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। चाहे मैं यहाँ पर रही हूँ, चाहे मैं किसी भी सिटी में रही हूँ, हमेशा से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा आदत है कि मैं थोड़ा शॉर्टकट में बात करती हूँ, तो वो लोग भी समझ जाते हैं, क्योंकि भाई एजुकेटेड है, अच्छी फैमिली से हैं, तो समझेंगे। इतना फालतू टाइम थोड़ी होता है कि फालतू चीज़ों के लिए वो करें, ना ही मेरे पास इतना फालतू टाइम है। देखिए अभी मैं इस वीडियो का एंड करूँगी, उसके बाद एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे शूट हो चुका है, एडिट करना है, उनको भी देना है, ब्रांड को देना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। मैं तो अभी मैं क्या है ना सभी के कमेंट्स भी पढ़ लेती हूँ, रिप्लाई नहीं जल्दी कर पाती, बट कल जो मैसेजेस आए, परसों भी जो मैसेजेस आए, मैंने रिप्लाई दिया। तो आप लोग मेरे लाइफस्टाइल, मेरे घर, मेरे गाड़ी, जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे मत जाइए। हमने मेहनत किया है, मेहनत के पैसों का है, वो मेहनत के पैसा समझ में आता है ना, तो मेहनत के पैसों का है। ऐसे नहीं कि कहीं पड़ा हुआ था और हमने ले लिया, ये तो हमें कभी आया ही नहीं है ना, ये हमें कभी नहीं आया। हमने एक एक चीज़ें मेहनत से करवाई हैं, और 20-25 लाख में तो सिर्फ हमने इंटीरियर करवाया हुआ है, और घर की कीमत जो है वो अलग है। मुझे बोलना पड़ रहा है, बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन बोलना पड़ता है कभी कभी। कुछ लोग न्यू भी आते हैं, उनको नहीं पता रहता, उनको भी बताना ज़रूरी है। और एक चीज़ और भी मैं क्लियर करना चाहूँगी कि न्यू कुछ लोग जुड़े हैं, जेन्युइन जुड़े हैं, वो लोग जानना चाह रहे थे कि मान्या कौन है, मतलब उन लोग को लगा कि मान्या भी मेरी बेटी है। तो मान्या मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी नहीं है, वाशु की टीचर है, उनकी बेटी है, और एक तरह से वाशु की बड़ी सिस्टर है। तो हमारा एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है, मैं उसको अपने बच्चे की तरह मानती हूँ। तो मान्या मेरी बेटी जैसी है। बस यही है कि सारा ये चीज़ ना मेरे हाथ में है, किसी के कमेंट करने से, किसी के कुछ भी मैसेज कर देने से कुछ नहीं होता। मैं जो चाहूंगी यहाँ पे वही होगा। YT पे आपको कोई अननेसेसरी फालतू के कमेंट्स नहीं कर सकता है, अदरवाइज उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ, मुझे एडिट भी करना। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।